हेलो एवरीवन। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो डाला है क्रंच वीडियो, तो उसमें कमेंट आ रही है कि बहुत सिंपल डाल दिया है आप। मुझे पता है कि मैंने सिंपल डाला है और मैं रात में बिल्कुल भी शूट करने के मूड में नहीं थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए, 23 23। और ये है मेरे बेटे का, तो उसके 22 से स्टार्ट हो चुके हैं और जस्ट बस बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं। मतलब बच्चे से मेरा मतलब है कि मेरा और मेरी और मेरी छोटी सिस्टर का बेटा दोनों सेम क्लास में है, तो जस्ट मैं एग्ज़ाम चेक ही कर रही थी। अच्छा, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने हमेशा ये बात बताई है आप लोगों को कि जब भी बहुत छोटा वीडियो आए, आपको लगे बहुत सिंपल है, आज नूपुर ने कोई मेहनत नहीं की, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ मैं बिजी थी, इस वजह से जस्ट मैंने अपलोड कर दिया है कुछ सिंपल था, ये सोचकर कि उस दिन एब्सेंट ना हो जाए या आपको वीडियो ना मिल पाए, ये सोचकर सिर्फ। मुझे पता है मैंने 4 चंक लिए थे बट मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो उसमें से एक चंक मैंने हटा दिया, 3 चंक किए थे। 4 चंक होते तो और ज़्यादा होता, पेस्ट लेने के मूड में नहीं थी, पेस्ट लेती तो बहुत स्टिक होता और फिर स्टिक के साथ उसके साथ क्या था कि ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाती क्योंकि उसको बीच बीच में क्लीन भी करना होता है। तो सिर्फ यही एक रीज़न है। तो मुझे पता है बहुत से लोग समझते हैं जिन्होंने नहीं लिखा है कुछ, वो सारे समझते हैं ये चीज़ कि आज सिंपल क्यों है नूपुर का वीडियो, तो आई होप कि बाकी लोग भी समझेंगे। तो बस इतना ही मुझे आपसे बताना था। आज कोई प्रिपरेशन, आपने देखा होगा आज कोई प्रिपरेशन वीडियो भी नहीं आया आपके पास, तो वो इसीलिए नहीं आया है और मैं इस टाइम पे बिजी हूँ। मैं एक्चुअली कल पूरा दिन बाहर थी और जब मैं घर पे आई तो वो जितना भी टाइम बचा था उसमें मुझे ये था कि रिविज़न कराऊँ या फिर मैं वीडियो बना लूँ, तो मैं रिविज़न करा रही थी और मैंने सोचा आज मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी। बट 30 मिनट्स का टाइम मिला और मैंने सोचा कि फटाक से कुछ कर लेते हैं, पार्ट टू कर देते हैं उसका, और वो मैंने रोज करके रखी हुई थी वाइट चॉक, तो इस वजह से मैंने एज अ पार्ट टू उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। और बस इतनी सी ही बात है और अभी भी मैं जा रही हूँ बस ये एग्ज़ाम चेक करने। वो देखिए वो यूनिफॉर्म पड़ी हुई है, अभी जा रही हूँ उसको रखने नहीं, वॉश करने के लिए डालने जा रही हूँ। तो अब कल बेटे का है तो उसमें इतना टेंशन नहीं क्योंकि वो बड़ा है, वो बैठा दो पढ़ लेता है, बट मौली है उसको बैग पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ। तो चलिए फिर इतना ही बताना था मुझे और मैंने सोचा बीच बीच में आपको थोड़ा सा दर्शन दे दिया करूँ, इस वजह से भी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी आपको कुछ क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं रिप्लाई करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक स्टॉक वीडियो नहीं डाला है, सिर्फ इसी वजह से नहीं डाला है। तो चलिए फिर, बाय बाय।